सो गाइस फाइनली इतने ज्यादा लॉन्ग टाइम के वेट के बाद मैं यहाँ पे आ चुका हूँ वापस एक और नई वीडियो के साथ, जिसके बारे में गाइस आप लोग इसका थंबनेल और टाइटल देख करके समझ ही गए होंगे कि ये किस चीज के ऊपर होने वाली है। बट इससे पहले हम वीडियो में कंटिन्यू करें, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस है। कोई भी देखो मेरे से ये मत बोलना कि भाई तूने उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया या किसी और चीज को इंक्लूड क्यों नहीं किया। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है कि आपको एटलीस्ट इतना तो देखना ही चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। सो गाइस अगर लॉकडाउन 2.0 में आप लोग भी सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे ऐसी मूवीज जिन्हें देख करके आपका भी एंटरटेनमेंट हो सकता है और टाइम भी पास हो सकता है, तो आप लोगों ने गाइस बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। वीडियो को आगे तक देखिएगा, मैं इसके अंदर ऐसी मूवीज बताऊंगा जो कि आप लॉकडाउन के अंदर बैठे हुए देख सकते हो। हॉलीवुड मूवीज है गाइस, और अगर आपने उन्हें देखा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, हो सकता है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं मूवीज बताऊं वो आपने ना देखी हुई हो और वो आपके काम आ जाए। इस वीरान इलाके में वो मैं हूँ जो दूर भागता हूँ जिंदों और मुर्दों दोनों से। एक इंसान जिसका एक ही लक्ष्य है, जिंदा रहना। सो गाइस हमारी लिस्ट की जो पहली मूवी है उसका नाम है मैड मैक्स फ्यूरी। अब गाइस अगर आप लोगों को भी एक्शन एडवेंचर वाली मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है तो ये मूवी आप लोगों को वर्थ इट होगी वॉच करने में। और खासकर गाइस अगर आप लोग कार आर्केड के अंदर इंटरेस्टेड हैं जिसके अंदर कार्स की फाइट होती है, कार्स में बैठे बैठे लोग फाइट करते हैं, तो ये जो मूवी है ना आप लोगों को स्क्रीन पे बिल्कुल बना करके रखेगी 101%। इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक डेजर्ट में है जहाँ पे एक बंदा जो है दिखाया गया है हमको, और बहुत ही ज्यादा टाइम बाद की हमको अर्थ दिखाई गई है जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा रेयर है। एक बहुत ही ज्यादा जुल्मी राजा है जो कि अपने लोगों पे बहुत ज्यादा जुल्म करता है, उनको पानी नहीं देता और उनको अपना गुलाम बना करके रखता है। बेसिकली उनसे एस्केप करने की एक कहानी है कि किस तरह से वो जो बंदा है उनकी रानियों की मदद करता है वहां से एस्केप करने में। अब गाइस देखना ही होता है कि क्या वो उनकी मदद कर पाएगा, एस्केप कर पाएगा या नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था इसके अंदर कार्स फाइट है, और गाइस अगर आप लोग कार लवर हो ना तो एब्सोल्युटली भाई आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो गाड़ियां दिखाई गई हैं वो बहुत ही ज्यादा एंटीक और अलग तरीके की हैं। होप सो आप लोगों फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी सीरीज, कुछ कुछ उसी की तरह की वाइब्स आती है। हालांकि रेसिंग तो नहीं होती इसके अंदर बट वाइब्स बहुत अच्छी आती है। ये गाइस मूवी वर्थ इट है वॉच करना। क्या हो अगर मैं उसे तुम्हारे सामने ले आऊं, उसे ही जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह की। अगर मैं वादा करूं कि तुम उससे छुटकारा पा लोगे, क्या उसे मार पाओगे? सो गाइस हमारी जो लिस्ट की सेकंड मूवी है वो है साइंस फिक्शन लवर्स के लिए, खासकर अगर आप लोगों को टाइम ट्रैवलिंग स्टोरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो गाइस जो नेक्स्ट मूवी है मैं आपको बताने वाला हूँ इसका नाम है प्रीडेस्टिनेशन। गाइस ये जो मूवी है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक टाइम ट्रैवलिंग का पैराडॉक्स होता है। अब इस मूवी के अंदर गाइस एक खास बात बहुत ये है कि इस मूवी को आप एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। अगर आप लोगों ने इसे छोड़ दिया ये समझ के कि इसके अंदर हो क्या रहा है, वो समझ में आपको नहीं आने वाली। अगर आप लोग एक बार इसकी एंडिंग देख लेंगे तो कंप्लीट मूवी आपको समझ में आ जाएगी। ये टाइम ट्रैवलिंग की गाइस कुछ ऐसी बहुत ही गिनी चुनी मूवीज में से एक है जो कि आपको स्क्रीन पे बना के रखती है और ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर इस मूवी में चल क्या रहा है। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपने ओपिनियन दूं तो गाइस इससे पहले जो सबसे खतरनाक मूवी थी साइंस फिक्शन जॉनरा में, मैंने इंटरस्टेलर देखी थी। और अगर मैं टाइम ट्रैवलिंग की बात करूं तो मैंने आज तक जो सबसे बेहतरीन मूवी देखी है टाइम ट्रैवलिंग में, एक तो प्रीडेस्टिनेशन और दूसरी है टेनेट। बट गाइस टेनेट अभी नई मूवी है, होप सो आप लोगों ने देख ली होगी। बट प्रीडेस्टिनेशन एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी है, मोस्टली लोगों ने नहीं देखी होती। तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आपको प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स की मूवी जरूर देखनी चाहिए एक बार। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट मूवी है वो उन लोगों के लिए है जो कि रोमांटिक मूवी देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं और उनको कोई रोम कॉम वाले जेनर की एक मूवी चाहिए होती है। तो मैं उन लोगों के लिए कोरियन मूवी लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है और उसके अंदर आपको लाइफ के बहुत ही अच्छे अच्छे लेसन भी देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है द वंडरफुल नाइटमेयर। गाइस ये जो मूवी है एक कोरियन लेडी के ऊपर बेस्ड है जो कि अपनी फैमिली को बचपन में खो देती है और उसके बाद वो इमोशनलेस हो जाती है, उसके अंदर किसी को लेकर के किसी तरह का कोई इमोशन नहीं रहता। बट एक दिन क्या होता है कि जो गॉड ऑफ डेथ है
है जिसको यामी बोला जाता है, वो उस औरत की जो आत्मा होती है उसको उसके शरीर से समय से पहले ही निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी लेडी के शरीर में उसकी आत्मा को डालना पड़ता है। अब वो जो दूसरी लेडी होती है जिसकी शरीर में उसकी आत्मा जाती है, वो ऑलरेडी मर चुकी होती है और उसकी फैमिली का जितना भी बर्डन होता है वो उस लेडी के ऊपर आ जाता है जो की इमोशनलेस है और जिसकी आत्मा को उस दूसरी लेडी की बॉडी में डाला गया है। यहाँ पे ये स्टोरी हमको बताती है कि अपनों का प्यार पाना अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा जरूरी होता है। ये मूवी जिंदगी जीने का गाइस एक असली मतलब बताती है कि पैसा कमाने के लिए तो हर कोई जीता है, बट अगर आप लोगों को अपनी लाइफ को सही में एंजॉय करना है तो आपको अपनी फैमिली के लिए जीनी चाहिए, क्योंकि आप इन दी एंड कितना ही पैसा कमा लो वो लास्ट में आपके काम नहीं आने वाला, लास्ट में आपके काम हमेशा आपकी फैमिली आएगी। सो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो की कुछ ऐसी 3 मूवीज जो मैंने आपको सजेस्ट करी अपने ओपिनियन के हिसाब से जो मुझे बहुत ज्यादा सही लगती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों को ये मूवीज अच्छी लगी तो प्लीज मुझे को बताना कमेंट बॉक्स में देखने के बाद, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो मूवीज की रिकमेंडेशन होगी या अगली किसी भी तरह की कोई वीडियो इस चैनल पे आएगी तो आपको पता चले इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा नीचे जाकर के, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।